आप देख रहे हैं यूपीता न्यूज़ की खास पेशकश कोरोना बुलेटिन। आज है 30 मार्च 2020, समय हुआ है सुबह के 8। इंडिया की अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में अभी तक 1024 केस आ चुके हैं, जिसमें 37 नए हैं। वहीं मौत की अगर बात करें तो 27 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। विश्व पर अगर नज़र डालें तो 7,21,903 टोटल केस आए हैं, जिसमें 33,966 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूएसए पहले नंबर पर है, इटली दूसरे नंबर पर, चाइना तीसरे नंबर बना हुआ है। और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, तो लॉकडाउन के कारण रिश्तेदार नहीं आए तो यूपी में मुस्लिमों ने दिया अर्थी को कंधा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हिंदू वृद्ध रविशंकर के शव को कंधा देने के लिए लॉकडाउन के कारण जब कोई रिश्तेदार नहीं पहुंचा तो मुस्लिम युवकों द्वारा अर्थी को कंधा दिया गया और शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में मुस्लिम युवक राम नाम सत्य बोलते हुए भी देखे जा सकते हैं। आगे खबर दौड़ते हैं, उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च को अंतर जनपदीय परिवहन सेवा खुली रखने वाले आदेश को वापस ले लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने रविवार को बताया कि 31 मार्च को राज्य में सुबह 7 से रात 8 बजे तक परिवहन सेवा खुली रहने के आदेश को वापस ले लिया गया है। अब 31 मार्च को भी राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। त्रिवेंद्र ने बताया कि यह कदम केंद्र के दिशा निर्देशों के बाद उठाया गया है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं, यूपी में कोरोना गांव के लोगों का आरोप, कोरोना महामारी के कारण उनके साथ हो रहा भेदभाव। सीतापुर यूपी में कोरोना गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि कोरोना महामारी के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। राजा नाम के ग्रामीण ने बताया कि जब हम लोग बताते हैं कि हम कोरोना गांव से हैं तो हमें नज़रअंदाज किया जाता है। वे यह नहीं समझते कि वह एक गांव है, ना कि वायरस से संक्रमित शख्स। आगे खबर दौड़ते हैं, गरीबी के कारण कोई किराया नहीं दे पाया तो सरकार उसका भुगतान करेगी, सीएम केजरीवाल ने बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के सारे मकान मालिकों से अपील करता हूं कि आप अपना किराया पोस्टपोन कर दो, महीने दो महीने बाद जब कोरोना का झंझट खत्म होगा तो उसके बाद कोई किराएदार गरीबी के कारण किराया नहीं दे पाया तो सरकार उसका भुगतान करेगी। बतौर केजरीवाल, अगर कोई मकान मालिक जबरदस्ती करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं, मजदूरों से यूपी सरकार वसूल रही किराया, राजस्थान सरकार भेज रही है फ्री में। यूपी कांग्रेस ने दो टिकट की तस्वीर ट्वीट कर दावा किया कि लॉकडाउन में मजदूरों को भेजने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार किराया वसूल रही है, जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार उनसे किराया नहीं ले रही है। पार्टी ने ट्वीट किया कि इस त्रासदी में मजदूरों की गर्दन मरोड़ने वाली सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं, गर्भवती और नवजात के लिए है 102 एम्बुलेंस, कोरोना मरीज के लिए नहीं सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कोरोना से संदिग्ध और पॉजिटिव मामलों को देखने और ट्रांसपोर्ट करने वाले मेडिकल स्टाफ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। मंत्रालय ने कहा कि 102 एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए सिर्फ गर्भवती महिलाएं और बीमार नवजात ही ले जाए जा सकते हैं। आगे खबर बढ़ते हैं, सहन न छोड़ें लोग, मजदूरों के लिए खाने व समय पर भुगतान का करें प्रबंध, राज्यों से एक केंद्र ने कहा है। लॉकडाउन के चलते मजदूरों के पलायन को लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग शहर छोड़कर ना जाएं। केंद्र ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को समय पर भुगतान और उनके लिए खाने के सारे बंदोबस्त किए जाएं। केंद्र ने छात्रों मजदूरों से घर खाली कराने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही जिसमें कि बताया जा रहा है कि फेसबुक पर एक यूजर ने प्रिंस चार्ल्स और कनिका की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा कि कनिका कपूर दुनिया भर में प्यार और केयर फैलाती हैं, प्रिंस चार्ल्स के साथ जो COVID-19 संक्रमित पाए गए। सच्चाई की अगर बात करें तो पड़ताल से पता चला कि जो तस्वीर शेयर की जा रही है वो 2015 और 2018 की है। गूगल रिवर्स से भी ये तस्वीर है जिसमें 2018 की कनिका ने ये फ़ोटो को खुद ट्वीट किया था। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हाल ही में यूके से लौटने के बाद उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की थी या नहीं। कनिका का अभी लखनऊ के एक अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रिंस चार्ल्स का भी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और आपको बचाव के लिए ये उपाय करने हैं, आप कोरोना से बच सकते हैं, सबसे पहले तो आपको घर से ही नहीं निकलना है। तो फिलहाल आपका वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद।